असलम वाहला एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं साफ भाइयों को दोस्तों मुल्क भर में जो है गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है इसके साथ साथ मूँजी की कीमतों में ज़बरदस्त रेट्स मिल रहे हैं मूँजी के साथ साथ जो चावल की कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा है मकई तिल तिली ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला शुरू हो चुका है मकमल आपको अपडेट वगैरह देते हैं मूँजी गंदम मकई तिल, तिल तिली के हवाले से क्या सूरत हाल वग़ैरह क्या रेट्स वगैरह मिल रहे हैं बाकी सबसे पहले गंदम की बात करते हैं गंदम का मार्केट में अचानक से तेज़ी आई है और काफ़ी ज़्यादा जो आपको पास्को के हवाले से अपडेट वगैरह करते जाएँ कि मुल्क में कितना अभी तक फ़िलहाल जो स्टॉक मौजूद है, है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पास्को के पास जो है गंदम का सतारा लाख अस्सी हज़ार टन जो है स्टॉक मौजूद है जबकि पंजाब में चालीस लाख इक्कीस हज़ार टन सिंध में आठ लाख सतारा हज़ार टन खैबर पख्तूरखा दो लाख सताईस हज़ार टन और बलोचिस्तान में एटी नाइन हज़ार टन स्टाक मौजूद है और मुलक भर में गंदम की कीमतों में अचानक से 200 से लेकर 250-300 रुपए तक जो है इजाफा हुआ है और आटे की कीमतों में भी जो है 100 से 150 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है गंदम जो है 4,700 रुपए तक 4,650 रुपए तक सेल होना शुरू हो चुकी है बाज़ मंडियों में बाकी इसके अलावा आपके साथ मूँजी की अपडेट वगैरह दें तो मूँजी मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला जो है आज भी बरकरार है मंडियों में स्टॉक भी ज़्यादा है और रेट्स भी जो है कदरे जो है बेहतर मिल रहे हैं पहले की तरह नहीं है कि स्टॉक ज़्यादा हो जाता था रेट्स जो है कम हो जाते थे फिलहाल जो है रेट्स भी अच्छे हैं और स्टॉक भी काफ़ी मार्केट में आ रहा है मंडियों में खड़े होने को भी जगह नहीं मिल रही मुकम्मल आपको अपडेट देते हैं सबसे पहले पंद्रह जीरो नौ की बात करें तो पंद्रह जीरो नौ का जो रेट्स वग़ैरह मिल रहा है चार हज़ार पाँच सौ पचास रुपये से लेकर पाँच हज़ार एक सौ पचास रुपये तक जो है यानी कि वी पी माल का हाथ वाले माल का रेट्स मिल रहा है इसमें जो मशीनी माल आता है उसका रेट्स तकरीबन जो है चार हज़ार चार सौ रुपये से लेकर चार हज़ार पाँच सौ पचास रुपये तक मिल रहा है इसके अलावा सोलह बानवे की बात कर लें चार हज़ार छः सौ रुपये से लेकर पाँच हज़ार रुपये तक रेट्स मिल रहा है इसके अलावा कायनात ग्यारह इक्कीस की बात कर लें चार हज़ार पाँच सौ रुपये से लेकर पाँच हज़ार रुपये तक रेट्स वगैरह मिल रहा है याद रहे इसमें कैश माल का भी रेट्स है और इसके अलावा जो नकदी माल है उसका रेट तकरीबन जो है कैश के मुकाबले में काफ़ी कम मिलता है और ज़्यादातर जो मंडियों में काम होता है वो तकरीबन जो है यानी कि उधार होता है इसके अलावा दोस्तों सुपर बासमती की बात कर लें तो सुपर बासमती जो है अभी तक फ़िलहाल जो है ये पंद्रह ज़ीरो नौ के बराबर ही चल रही है लेकिन पिछले हालिया साल की हम बात करें पिछले साल की तकरीबन जो है बासमती जो मुंजी है आठ हज़ार रुपये तक भी सेल होती रही है तो फिलहाल जो अभी जो है इसका स्टॉक बहुत कम आ रहा है तकरीबन जो है इसके भी रेट तकरीबन जो है चार हज़ार पाँच सौ रुपये से लेकर पाँच हज़ार पाँच हज़ार दो सौ रुपये तक मिल रहे हैं फी मन चालीस किलोग्राम के हिसाब से इसके अलावा दान एटी सिक्स की बात कर लें दो हज़ार नौ सौ रुपये से लेकर तीन हज़ार एक सौ पचास रुपये तक रेट्स वगैरह मिल रहे हैं इसके अलावा सुपर फ़ैन की बात कर लें तीन हज़ार छः सौ रुपये से लेकर चार हज़ार रुपये तक जो है सुपर फैन के रेट्स वगैरह मिल रहे हैं इसके अलावा दोस्तों मकई के वाले से अपडेट दें तो मकई जो है इसमें जो ग्यारह से बारह मोहचर का दाना है उसके रेट तकरीबन तक तक जो है मार्केट में उन्नीस सौ पचास रुपये से लेकर इक्कीस सौ रुपये तक रेट्स रेट मिल रहे हैं इसके अलावा इसमें जो डैमेज वंडा क्वालिटी आ जाता है चौदह सौ रुपये से लेकर सोलह सौ पचास रुपये तक रेट्स वगैरह मिल रहे हैं तिल तिली मार्केट ज़बरदस्त तेजी है सोलह हज़ार चार सौ से सतारह हज़ार छः सौ रुपये तक रेट्स वगैरह मिल रहे हैं तो दोस्तों आज की ये अपडेट वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दें मजीद अपडेट्स के लिए जनास की तेजी मंदी की रिपोर्ट्स डेली हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वाला एग्रीकल्चर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें